हेलो फ्रेंड्स, देसी खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बिना प्याज लहसुन के छोले आलू की स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हों तो आप इस सब्जी को बना करके खा सकते हैं। यह प्याज लहसुन के बिना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमने एक कटोरी छोले लिए हैं। वजन के हिसाब से यह 75 ग्राम है। इन्हें हमने ओवरनाइट भिगो कर लिया है और भिगोने से पहले हमने इसमें एक पिंच मीठा सोडा डाल दिया था, जिससे कि यह अच्छे से गल जाए। छोले अच्छे से गल गए हैं। इनको हम कुकर में उबालेंगे। इनका पानी हटा देंगे। छोले हम कुकर में डाल लेंगे। छोले उबालते समय हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को हम इतना रखेंगे कि छोले अच्छे से डूब जाए। पानी कम नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं, सिर्फ हमने इसमें नमक डाला है। नमक डाल के ही हम इनको उबाल लेंगे। 3 से 4 सीटी लगाएंगे इसमें। कुकर में हमने 4 सीटी ले ली हैं। छोले हमारे उबल चुके हैं, देख सकते हैं। छोले अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम बिना प्याज लहसुन के छोले बना रहे हैं, तो इसके लिए हम जार लेंगे। जार में हम एक टमाटर डालेंगे, मीडियम साइज का टमाटर। इसको हमने काट लिया है। और ये उबले हुए जो छोले हैं, इसमें से हम 2 चम्मच इसमें छोले डाल देंगे। पेस्ट गाढ़ा बनेगा, इसके लिए हम टमाटर के साथ छोले डाल के पीसेंगे। टमाटर और छोले का जो पेस्ट है बना करके हमने तैयार कर लिया है। पेस्ट देखिए आप कैसा गाढ़ा बना है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। छोले हम खाली नहीं बनाएंगे। छोले में हम आलू डालेंगे। ये 2 आलू हैं, इनको हमने उबाल कर ले लिया है। मीडियम साइज के आलू हैं। जिसमें हम सब्जी बनाएंगे, गैस पर हमने वो बर्तन रख लिया है। उसमें हम तेल डालेंगे। ये मैं तिली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। 2 तेज पत्ता है, इनको डालेंगे। हम इसमें कुछ खड़े मसाले का प्रयोग करेंगे। ये 2 इलायची है हरी वाली, इनको हमने तोड़ दिया है। ये एक बड़ी इलायची, इसको भी हमने तोड़ दिया है बीच में से। 5 काली मिर्ची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन की सब्जी बना रहे हैं, तो हम इसमें हींग का इस्तेमाल करेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है। ये जो पेस्ट है टमाटर और छोले का, इसको डाल देंगे। इसको चलाते हुए भून लेंगे। वही कटोरी ली है जिसमें हमने टमाटर और छोले का पेस्ट बनाया था, उसमें कुछ मसाले डालेंगे। हल्दी डाल लेंगे 1/2 चम्मच के करीब, पिसी हुई लाल मिर्ची का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। जार में जो पेस्ट लगा रह गया था, उसी में हम पानी डालकर इस मसाले मिला देंगे। मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए पानी डालकर गला दिया है। इधर भगोनी में पेस्ट हम भूंज रहे हैं, 2-3 मिनट में वो भी भूंज करके तैयार हो जाएगा और इधर हमारा मसाला भी गल जाएगा। टमाटर और छोले का पेस्ट भी अच्छे से भूंज गया, आप देख सकते हैं। जो मसाले हमने रखे थे गलाने, उनको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं, जिससे कि सब्जी में अच्छा कलर आए। छोले उबालते समय भी हमने नमक डाला था, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार। नमक ज़्यादा ना हो जाए। एक
इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट का समय लगेगा इनको भूनने में। छोलों को हम खड़ा नहीं डालेंगे, इनको हम थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा देंगे जिससे कि ये सॉफ्ट से हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो सब्जी में खड़े खड़े दिखेंगे। ऐसे डालने से इसका जो ग्रेवी होगी, रसा जो बनेगा, वो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छे से भुन गया है। ये छोले हैं इसमें डाल देंगे। ये हमने जो 2 आलू लिए थे इनको हम हाथ से मसीर कर डालेंगे। आलू और छोले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये जार रखा था पेस्ट का, उसी में हमने पानी डालकर लिया है। दो चम्मच पानी डाल दिया है, तो थोड़ी गाढ़ी लग रही है। इसमें अभी 1 चम्मच पानी और मिला देंगे, चम्मच के हिसाब से, क्योंकि सब्जी अभी खोलेगी। आप देख सकते हैं ना हमने ज्यादा पतला रखा है ना हमने इसको ज्यादा गाढ़ा रखा है। अब हम ढक करके सब्जी को खोलाएंगे। आप देख सकते हैं सब्जी में खोल आ गया है, सब्जी अच्छे से खोल गई है। इसके हिसाब से 3 चम्मच पानी और कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी पानी डाला था। ये हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम छोले मसाला लिया है। अब हम छोला मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छे से चला देंगे। लास्ट में हम हरा धनिया डालेंगे। सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हींग की भी खुशबू आ रही है इसमें से। मैंने सब्जी को बहुत सरल तरीके से बनाया है, आपने देखा होगा इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं और बिना प्याज लहसुन की सब्जी बना करके तैयार की है। इनमें जो खड़े मसाले डाले थे उनमें से हम खड़े मसालों को हटा देंगे। सब्जी में उनका फ्लेवर आ गया है। दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची है, इसको हम निकाल लेंगे। ये हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला था, इसको भी निकाल लिया है। बड़ी इलायची निकाल ली है। तेज पत्ता डाले हैं, इनको भी निकाल लेंगे। सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से बिना प्याज लहसुन के छोले आलू की सब्जी बना करके ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।